यादव के 5 विकेट, कुलदीप यादव के 5 विकेट, जहां पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 28 रन देकर, माफ कीजिए 25 रन देकर, 8 ओवर में 25 रन दिए कुलदीप यादव ने। और 500 से ज्यादा लोग देखे आ चुके हैं मोनू, बिल्कुल आ चुके हैं। और 228 रन की जीत, क्यों ना एक बड़ी जीत, 228 रनों से पाकिस्तान को हराया है। और बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज किया, जो बदला था आज वो पूरा हुआ है, एक तरफा जीत। और इस जीत के हीरो कुलदीप यादव, एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर जिन्होंने 5 विकेट झटके एक के बाद एक, और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप आज बिखरती हुई नजर आई। किसी बैट्समैन में ने वो इंटेंट दिखाया विकेट पर खड़े होने का, जो टेम्परामेंट दिखाया। और बाबर आजम, जो सबसे बड़ा विकेट, जी हाँ, बाबर आजम को हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से क्लीन बोल्ड किया, और वहां से तस्वीर साफ हो गई थी कि अब पाकिस्तान टीम अब यहां से जीत तो नहीं सकता। और ये देखिए, सबसे बड़ी जीत है ये टीम इंडिया के लिए। जीत के हीरो एक एक करके देखिए, केएल राहुल 111 नाबाद 106 गेंदों का सामना किया, 104.72 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके 2 छक्के, और ये लाजवाब पारी आप केएल राहुल की याद रखेंगे। लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे मोनू, आप कमेंट्स पे जरूर नजर बनाइए रखिएगा दोनों चैनल्स पर, क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएल राहुल की ये पारी आप याद करेंगे। विराट कोहली नाबाद 122 रनों की ये पारी पाकिस्तान के खिलाफ, 129 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 94 गेंदों में 9 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा के अर्धशतक भी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। शुभमन गिल ने 58 की पारी खेली, रोहित शर्मा ने बनाए हैं 56 रन, और उसके बाद सीधा स्ट्रेट अवे चलते हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने विकेट लिए हैं 5 और 8 ओवर में 25 रन देकर। इससे बेस्ट स्पेल कोई नहीं हो सकता, देखिए 8 ओवर 25 रन 5 विकेट, और इनके खिलाफ आई थिंक एक बाउंड्री तक नहीं आई। इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल जो सारे बैट्समैन पाकिस्तान के बिल्कुल बांध के रखा, किसी बैट्समैन को ज्यादा रूम नहीं दिया, और 8 ओवर में 25 रन और 5 विकेट, ये ड्रीम कम ट्रू वाला स्पेल है। बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू वाला स्पेल है। और देखिए, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें, हालांकि फखर जमान के बल्ले से एक अर्धशतक जरूर देखने को मिला, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां पर फखर जमान का विकेट गिरता है उसके बाद तो पतझड़ वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने आज सिर्फ 2 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया मोहम्मद रिजवान, और बाबर आजम 10 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया। ये वो पाकिस्तान का डर जो आज हम सब ने जो निकाल दिया है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफा मुकाबला टीम इंडिया ने ये जीता है। इमामुल 9 रनों की पारी इन्होंने खेली, 18 गेंदों का सामना किया। आगा सलमान 23 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना इन्होंने किया है, और इफ्तिखार अहमद सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हुए। तो देखिए, किसी भी बैट्समैन को ज्यादा देर तक टिकने दिया। और कई लोग हमारे साथ है कि रितु वो कहना चाहते हैं कि रोहित और गिल के बारे में आप बात कीजिए प्लीज, रोहित और गिल की बात करेंगे। देखिए, जितने आप कमेंट्स हमें भेजेंगे हम एक एक कमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं अभी देखिए दूसरे वाले कमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कमेंट्स देखना चाहूंगा जो लोग कर रहे हैं। हैरिस राउफ डर गया, बिल्कुल डर गए, आज तो डर गए। देखिए आज आप हर कोई डरा पाकिस्तान का, ना सिर्फ हैरिस राउफ बल्कि बाबर आजम कैप्टनसी में वो एग्रेशन नहीं नजर आया, वो बिल्कुल डरे डरे से आज दिखाई दिए। और पूरी पाकिस्तान का खेमा आज देखिए, इतनी बड़ी जीत टीम इंडिया को मिली है 228 रनों से, बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट किया टीम इंडिया ने। बिल्कुल हार्दिक पांड्या 5 ओवर 17 रन 1 विकेट, और जिस तरीके से मैं चाहता हूं, देखिए बार बार हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया है टीम इंडिया ने, और ये शानदार अटैक देखने को मिला है गेंदबाजी में खास तौर पर, और बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया ने दमखम दिखाया है। जसप्रीत बुमराह की बात करें, 1 विकेट इन्होंने भी लिया है, 5 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए हैं। शुरुआत इन्होंने ही की थी आज, बिल्कुल शुरुआत इन्होंने ही की थी, विकेट लिया था वहां पर इमामुल हक का शार्दुल ठाकुर ने। एक तरफ से देखिए 4 ओवर 16 रन 1 विकेट इनके खाते में भी गया है। सिराज की अगर हम लोग बात करें, 5 ओवर 23 रन दिए हैं, विकेट हालांकि कोई नहीं मिला, लेकिन ये भी किफायती गेंदबाजी आपको देखने को मिली है। हार्दिक पांड्या 5 ओवर 17 रन 1 विकेट इन्होंने भी हासिल किया है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी फ्लॉप नजर आई है, पाकिस्तान की गेंदबाजी यानी कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे हो गेंदबाजी, चाहे हो बल्लेबाजी, चाहे हो फील्डिंग, और जिस तरीके से देखिए मैं बात कर रहा हूं लगातार, तो एक काबिले तारीफ प्रदर्शन हर डिपार्टमेंट में, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। और रोहित और गिल देखिए, आगाज इतना अच्छा हुआ था और अंजाम कहीं ना कहीं उससे बेस्ट हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत है ये टीम इंडिया की, 228 रन, ये याद रखने होंगे, ये पाकिस्तान को भी याद रखने होंगे, और ये हिंदुस्तान भी याद रखेगा, क्योंकि बहुत सुनाया इन्होंने 154 पे 0, बहुत सुनाया 10 विकेट से जीत। अगर आप यहाँ पर इतने ही बनाते तो टीम इंडिया भी इसको 10 विकेट से जीत जाती,
228 की ये बड़ी जीत आज देखने को मिली। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए। लेकिन पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। 50 रन नहीं आए किसी बैट्समैन के बल्ले से। अब इनका हाईएस्ट अगर आप देखोगे सिर्फ 27 रन है, वही फकर जमा के बल्ले से आए। इसके अलावा किसी भी बैट्समैन ने देखिए 30 रनों तक की पारी नहीं खेली। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक बैटिंग लाइनअप क्या। 128 रन देखिए, 357 के जवाब में सिर्फ 128 रन बनाकर ये टीम। प्रकाश बहादुर जी पूछ रहे हैं 8 विकेट पर ही मैच खत्म हो गया। बिल्कुल देखिए, हारिस राउफ चोटिल हो गए, नसीम शाह चोटिल हो गए, बल्लेबाजी करने आए नहीं। 8 विकेट पर ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया है। आप लोग कमेंट्स करते रहिए। राजपूत जी लिख रहे हैं नसीम शाह भी डर गए, हारिस राउफ भी डर गए। बिल्कुल पंकज जी लिख रहे हैं कि फखर जमान ने नहीं बनाया, हमने आपको करेक्ट कर दिया, 27 रनों की पारी उन्होंने खेली, हाईएस्ट रन उन्होंने बनाए हैं और हरा दिया पाकिस्तान को। तरुण जी कह रहे हैं हरा दिया जी, बिल्कुल हरा दिया, हरा दिया है जी। विराट टाइगर है, राहुल जी ने कहा बिल्कुल टाइगर है सर। आज टाइगर का मतलब बस लाइन कुछ भी कह लीजिए आप, शेर चीता दिल बना दीजिए आप। बिल्कुल, और सेक्शन में दिल टीम इंडिया के लिए। आई लव भारत श्रीनाथ जी लिख रहे हैं और बिल्कुल देखिए हमारे साथ दूसरी स्ट्रीम में वहां पर नजर आएंगे। आज मैच में हिस्ट्री क्रिएट हो गई, बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। लास्ट के क्या हुआ, बैटिंग क्यों नहीं करने आए, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको लगातार, क्योंकि फखर माफ कीजिए हारिस राउफ और नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, वो बल्लेबाजी करने के लिए आए नहीं, इसीलिए 8 विकेट पर ही ये मैच हो गया खत्म। रजनीत सिंह ठाकुर जी, विवेक सिंह कहते हैं कि यार पहले मैच में पाकिस्तान को बारिश ने बचा लिया था, लेकिन आज देखिए आज ना बारिश आई जरूर लेकिन बचा नहीं सकी आज पाकिस्तान को। बारिश आई जरूर लेकिन बचा नहीं सकी, और टीम इंडिया की थंपिंग विक्ट्री, एक ऐसी विक्ट्री अथॉरिटी के साथ। उन्होंने पाटिल जी लिख रहे हैं आई लव भारत, मैं चाहता हूँ आज कमेंट सबके लिए जाए। अनिल कुमार लिख रहे हैं चक दे इंडिया जय हो, और देखिए मैं आज जर्सी पहन के सपोर्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी बिना खाना पीना किए कुछ भी एक तरफ एक जगह बैठकर हम सभी लोगों ने मैच देखा है। इंजर्ड नहीं है इंडिया, पीके सिंह डर गया, राजपूत इंजर्ड नहीं है, डर गए, देखिए गेंदबाजी भी नहीं करवाई आज तो। चक दे इंडिया लिख रहे हैं, इंडिया इज ग्रेट, एमएम हुसैन जी लिख रहे हैं, और आज पाकिस्तान वाले नहीं आएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान वाले आज नहीं आएंगे। धर्मा पटेल जी अलग लिख रहे हैं पाकिस्तान इज ग्रेट, लेकिन क्या वहां पर इतनी बड़ी हार के बाद कैसा माहौल होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरीके से। जश्न जश्न टीम इंडिया का कोलंबो के बाहर चल रहा है, फैंस नाच रहे हैं, झूम रहे हैं टीम इंडिया के, और जिस तरीके से देखिए पूरा जोश का माहौल है। 228 रन, बहुत कुछ निकल कर आया इस मैच से टीम इंडिया के लिए, बहुत सारे पॉजिटिव्स निकल कर आए हैं, बहुत सारे यहाँ पर प्लस फैक्टर, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उस लिहाज से, वर्ल्ड कप के लिहाज से, एशिया कप फाइनल के लिहाज से, उम्मीद कर रहे थे कि हमें मैच देखने को मिले, पूरा मैच हमें देखने को मिला है, और टीम इंडिया ने अच्छे तरीके से एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को मात दी है। बिल्कुल, और चिराग सबसे अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया ने हर डिपार्टमेंट में, ना सिर्फ आपकी देखिए बॉलिंग देखिए आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला कुलदीप यादव ने, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शार्दुल ठाकुर ने विकेट निकाला, और जसप्रीत बुमराह देखिए इंजरी के बाद जो कमबैक किया, सॉलिड कमबैक किया उन्होंने, और बैटिंग आप देखें केएल राहुल, कई सारे सवाल थे कि क्या इंजरी के बाद जसप्रीत बुमराह कैसा परफॉर्म करेंगे, केएल राहुल कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन दोनों ने जो मौका मिला आज उन्होंने बुनाया है। और देखिए जो जीत की नींव रखी थी वो केएल राहुल और विराट कोहली के, जो दो डबल 100 जो टीम इंडिया को मिले, जिसके बाद 356 एक ऐसा स्कोर जहां से पाकिस्तान पहले से ही बैकफुट पे आ गया था, कितना बिल्कुल विष्णु जी लिख रहे हैं किसकी मजाल जो छेड़े दिलदार को, बिल्कुल सर कोई नहीं छेड़ सकता, नोबडी इज बिहाइंड अस, देखिए दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि यहाँ पर विराट और केएल राहुल जब हो मैदान में तो क्या बात है। नंबर चार ऑडिशन में केएल आ गया है, देखिए बिल्कुल नंबर चार केएल राहुल ने लगभग पक्का कर लिया, हमें गर्व है अपने भारत पर, न्यू टीम, बिल्कुल सर गर्व है हमें, बिल्कुल चार पर केएल राहुल फिट हो गया। अब तो देखिए यहाँ से देखने में तो लग रहा है कि चार पर केएल राहुल फिट हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, इतनी शानदार पारी खेली उन्होंने। मैं एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप सभी को फिर से बता देता हूँ, टॉस जीता था पाकिस्तान ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था कल टीम इंडिया जब दो विकेट खो चुकी थी तब मैच रोकना पड़ गया था बारिश की वजह से, आज उसके बाद हुआ। केएल राहुल और विराट कोहली ने अंडर जरूर लगाए, लेकिन रोहित शर्मा का अर्धशतक, शुभमन गिल का अर्धशतक, ये दोनों हमें कल देखने को मिले, और आज क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की यहाँ पर केएल राहुल ने, 111 नाबाद बनाए 106 गेंदों का